प्राइम वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर अखरी बाईपास चौराहा वाराणसी। वाराणसी में बुधवार को मिली 4,716 कोरोना जांच रिपोर्ट में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से एक मरीज स्वस्थ हुआ है, वहीं कोविड हॉस्पिटल से भी किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,394 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,615 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 6 है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा चौकी क्षेत्र में 1.5 वर्ष पूर्व हुए सामूहिक दुष्कर्म में आरोपी दरोगा उमराव खान को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरोगा उमराव खान को सीतापुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से गिरफ्तार किया गया है, जहां वो इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए मौजूद था। उमराव खान को अदालत में बुधवार को पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजटिया इलाके में एक महिला के साथ 2019 के आखिर में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। महिला का इस दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बना लिया था। घोसी सांसद अतुल राय पर लगे युवती संग दुष्कर्म के आरोप में यूपी पुलिस के एडीसीपी स्तर के अधिकारियों पर तलवार लटक गई है। वाराणसी के पूर्व एडीसीपी काशी जोन विकास चंद्र त्रिपाठी तथा पूर्व एडीसीपी वरुणा जोन विनय कुमार सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब मांगा गया है। बता दें कि सांसद अतुल राय पर वाराणसी में एक युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता और उसके एक साथी ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आगे आत्मदाह का प्रयास किया था, इसके बाद दोनों की ही मौत हो गई। आभूषण कारीगर सलमान की हत्या के आरोप में उसके जीजा के ममेरे भाई सहित 4 को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। बता दें कि शनिवार को आभूषण कारीगर सलमान पर सोना चोरी का इल्जाम लगाकर दुकान मालिक और उसके 3 अन्य साथियों ने बेरहमी से पिटाई की थी। पिटाई से अधभरे सलमान को लेकर परिजन कबीर चौरा अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। ट्रॉमा सेंटर ले जाते समय ही सलमान ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। इस घटना में परिवार द्वारा जितने भी आरोपी को आरोपित किया गया था, सभी को वर्तमान में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। देखिए, जो टप्पेबाजी की घटना हुई थी, उसमें सलमान के पिता अशरफ जी द्वारा एक मुकदमा कोतवाली थाने में पंजीकृत कराया गया है, जिसके संबंध में पुलिस जांच कर रही है। विभिन्न सीसीटीवी भी खंगाल रही है। हमें 2 अभियुक्तों के उसमें फोटोग्राफ मिले हैं। विश्वकर्मा पूजा दिवस 17 सितंबर के सार्वजनिक अवकाश की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के क्रम में ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वाधान में पड़ाव राजघाट गंगा किनारे समाज ने मंगलवार को सामूहिक मुंडन कराकर सरकार का विरोध किया। समाज ने कहा कि हम लोगों ने विश्वकर्मा पूजा पर्व अवकाश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प लिया है। गंगा घाट गंगा के किनारे अघोरेश्वर भगवान राम घाट पर आज सामूहिक रूप से मुंडन करा करके सरकार की हठधर्मिता का विरोध कर रहे हैं। चंदौली मुगलसराय कोतवाली के कटेसर गांव के समीप बुधवार को बदहवास हाल में युवती मिली। सूचना के बाद मौके पर मुगलसराय व रामनगर थाने की पुलिस पहुंची। युवती ने पुलिस को दिए बयान में गांव के 3 युवकों पर बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पहले उसे रामनगर स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने वाराणसी स्थित शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। पीड़िता मिर्जापुर जिले के जमालपुर थाने के गांव की रहने वाली है। उसके अपहरण की रिपोर्ट जमालपुर थाने में 3 दिन पहले दर्ज हुई थी। स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुनारी स्थित जनसभा को संबोधित करने वाराणसी पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ओपी राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के लिए मुख्तार अंसारी से हाथ मिलाने पर रजामंदी जताई और कहा कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर आना चाहता है तो स्वागत है। वही अनिल राजभर द्वारा कौन है ओम प्रकाश राजभर के कहने पर उन्होंने कहा कि वह भी बच्चा है, उसे नहीं पता कि बाप कौन है। उन्होंने मुख्तार अंसारी को मसीहा बताया। बच्चा है, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता तो उसको का पता है कि बाप कौन है। ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आज सुहेल देव को राजभर कहने लगा।
तो बाप ने सिखाया तब ना बेटा बोल रहा है। 22 में जमानत बचा ले, वही टेंशन हुआ था। हमारा संबंध तो उत्तर प्रदेश के सबसे है, 24 करोड़ आबादी से है, ब्रिजेश सिंह से भी है, धनंजय सिंह से है, राजा भैया से है, अतीक अहमद से है, मुख्तार अंसारी से है, जिसको जो जरूरत पड़ती है हमारे आते हैं, मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है जिसका अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई जारी है। उक्त बातें वाराणसी पहुंचे नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने मुख्तार अंसारी के बसपा से निकाले जाने के सवाल पर कही। उन्होंने कहा कि सपा बसपा सब एक ही जैसे रवैये की पार्टियां हैं, सिर्फ भाजपा सरकार में अपराधियों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, हमारा 4.5 साल का शासन, कानून व्यवस्था, बिजली की उपलब्धता, विकास के कार्य और हमारा नेतृत्व, ये हमारे मुद्दे हैं, हमारे जनता के सामने सब तथ्य हैं और जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगस्त माह से शुरू हुआ डेंगू का प्रकोप कम हुआ है और संक्रमण दर भी कम हुई है, ये कहना है जिला मलेरिया अधिकारी शरद चंद पांडे का। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर के बाद से डेंगू के मरीजों और संक्रमण दर में कमी आई है। जिला मलेरिया अधिकारी शरद चंद पांडे ने बताया कि अगस्त महीने में जो बढ़ोतरी थी डेंगू फीवर और वायरल फीवर में, उसमें कमी आई है, संक्रमण दर भी कम हुआ है। खासकर 5 सितंबर के बाद से ट्रांसमिशन रेट और संक्रमण दर हमारे पास आए आंकड़ों के मुताबिक कम हुआ है। उसके बावजूद जो हमारी डेंगू के प्रति निरोधात्मक कार्रवाई थी, नगर निगम और पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर जैसे फॉगिंग, एंटी लार्वा का छिड़काव आदि व लगातार हो रही है। डेंगू का और वायरल फीवर का, उसमें तो कमी आई है, संक्रमण दर काफ़ी कम हुआ है। खासकर 5 सितंबर के बाद से जो ट्रांसमिशन रेट और संक्रमण दर था वो कम हो गया है, जो हमारे पास डाटाज आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाई की जो तीव्रता थी, जिस ढंग से हम लोग पहले निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे थे नगर निगम और पंचायती राज के साथ मिलकर, वो हमारी कार्रवाई अभी भी चलेगी, क्योंकि बारिश विगत 3 दिनों से लगातार वाराणसी में हो रही है। अभी जो आंकड़े हैं हमारे पास, कल तक एलाइजा पुष्ट कन्फर्म केसेज 120 हैं डेंगू के। इसके अलावा रैपिड किट से जो जाँचें हो रही हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में प्रोबेबल केसेज कहते हैं, संदिग्ध केसेज, वो करीब 1450 करीब हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही से सैकड़ों लोग वाराणसी के फुलवरिया इलाके में रोजाना डर के साए में जी रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि तार किसी वजह से गली में इस तरह नहीं लटक रहा, बल्कि विद्युत विभाग की लापरवाही का नतीजा है। लोगों के घरों में कनेक्शन तो हुआ है, पर तारों को व्यवस्थित तरीके से उनके घरों तक नहीं पहुँचाया गया। इसके अलावा बिजली विभाग के खम्भे पर ऐसा मकड़ जाल है कि यदि किसी एक की लाइट खराब हो जाए तो सभी की लाइट काटनी पड़े और तार में फॉल्ट ढूंढने में भी मशक्कत करनी पड़े। भाई, जब आप लगा रहे हैं मीटर तो इसका सुविधा होना चाहिए ना। होता है, बच्चे लोग का भी डर रहता है कि केबिल कहीं गिर जाए, बच्चे लोग के ऊपर गिर जाए। क्या नाम है आपका? राजीव रावत। पुरुषोत्तमपुरी कॉलोनी के। क्या बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा परेशानी है, झेलना पड़ता है बहुत ज्यादा है। आम दिन बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लाइट नहीं रहती है, बच्चे को इमरजेंसी लाइट से पढ़ाया जाता है, पानी नहीं है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो जाते हैं गैलन से पानी भर कर लाते हैं। कई बार कहा गया, तार की समस्या आ जाएगी, एक मिनट आएगा फिर करेगा, एक मिनट आएगा करेगा, पानी में वहाँ पड़े हम लोग हैं। 30-35 साल से ऐसे ही बड़ा हुआ, बार बार इसको किया गया लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया। तार के झामिया है, ये हमेशा होती रहती है, जैसे एक लोग का चढ़ेंगे मिस्त्री बनाने के लिए, 10 लोग का बिगड़ जाता है, फिर बार बार सबको बुलाना पड़ता है मिस्त्री के लिए।